हाँ, तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम आपको बताए थे पिछले क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3 एचसी वर्मा के वेक्टर्स का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जैसे ये सवाल है कि एड वेक्टर्स ए बी सी ईच हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 100 मीटर एंड इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस एट एंगल 45 डिग्री, 135 डिग्री एंड 315 डिग्री रेस्पेक्टिवली। देखिए कि इसमें हमको तीन वेक्टर को जोड़ना है, ए बी सी को। तो ये जैसे वेक्टर ए है यहां पर, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। अगर देखिए तो ए बी सी तीन वेक्टर है, तो ये तीनों 100 मिनट का है। तो ए का इंक्लिनेशन एक्स से 45 डिग्री है, बी का 135 है, तो ये 135 हुआ, ये ए का 45 है, बी का 135 है, मतलब 180 माइनस 45 ये हुआ। और सी का है 315 डिग्री, मतलब 360 माइनस 45। तो आपको निकालना है कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है? तो जैसे क्वेश्चन रहता है उसी तरह से आंसर भी चाहिए हमको। तो क्वेश्चन जैसे लिख रहा है तो आपको आंसर भी लिखना होगा कि कितना यूनिट है और एक्स एक्सिस से कितना एंगल पर है इनका रिजल्टेंट, ठीक है? तो इसमें देखिए जैसे आर बराबर ए प्लस बी प्लस सी होगा, ये आर वेक्टर है, मान लीजिए आर वेक्टर है, ये बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी। और ये आर के बारे में आपको निकालना है कि कितना यूनिट होगा और एक्स एक्सिस से कितना एंगल पर होगा। तो एक से ज्यादा वेक्टर को जोड़ने का हम आपको तरीका दिखाए थे इससे पहले, उसी तरह से सोचिए। हम आपको 1 मिनट देते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको। अब आपको हम हिंट देते हैं, देखिए इधर 45 है, तो 135 जो है, 135 डिग्री, 135 डिग्री ये बराबर होगा 180 माइनस 45, उसी तरह 315 डिग्री बराबर होगा 360 डिग्री -45। तो 360 में से हम 45 घटाए, 360 में तो पूरे घूम जाएगा ये, तो 360 माइनस 45 है ये। तो आप ये देखिए कि ये एंगल और ये एंगल, अगर ये 45 है और ये 45 है, तो हम लोग ये पढ़े हैं ज्योमेट्री में कि दो स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है, अगर दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, ठीक है? तो ऑपोजिट एंगल अगर इक्वल होता है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो आप ये देखिए कि यहां पर अगर ये 45 है और ये 45 है तो बी और सी स्ट्रेट लाइन होगा और ये हमारा एक्स एक्सिस है,
तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, तो बी और सी इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो बी और सी कट जाएगा। इसके हिसाब से आप सोच सकते हैं, तब तो आप रिजल्टेंट निकालिए इसके हिसाब से। देखिए तो R बराबर ए प्लस बी प्लस सी, तो B और C कैंसिल कर जाएगा क्योंकि इक्वल और अपोजिट है, तो R बराबर बच जाएगा केवल A, और A कितना है, A है 100 यूनिट एट एंगल 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। ये ए बी सी हम कर दिए, तो बी और सी कैंसिल हो गया और ये ए के बराबर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, अगर हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, हम एच सी वर्मा का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि तीन वेक्टर है, ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, इस तीनों को जोड़ना है और हमको रिजल्टेंट निकालना है इसका। इस तीनों को जोड़ के और इसका हमको रिजल्टेंट निकालना है। तो क्या कहता है, रेफर टू द गिवन फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स एंड एंगल विथ एक्स एक्सिस ऑफ रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो ये तीन वेक्टर है, अगर एक वेक्टर ए है, एक बी है और एक सी है, अगर ये मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, तो आपको इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट जब आप निकालिएगा तो रिजल्टेंट का एक मैग्नीट्यूड निकलेगा, एक्स और वाई कंपोनेंट निकलेगा और एंगल विथ एक्स एक्सिस निकलेगा। ये जैसा हम आपको एक सवाल बताए थे पिछले क्लास में कार का डिस्प्लेसमेंट, और बताया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बेसिस पर हम लोग बहुत सारा सवाल बना सकते हैं, तो ये उसी तरह का सवाल है। दो वेक्टर को अगर जोड़ना रहे तो हमारे पास होता है पैरेललोग्राम लॉ या ट्रेंगल लॉ, और दो से ज्यादा अगर जोड़ना रहे, जैसे यहाँ तीन को जोड़ना है, तो तीनों को हम एक्स वाई और जेड में रख देंगे। क्या सिखाए हैं अभी कार वाले सवाल में, कि अगर कोई टेढ़ा वेक्टर है और एक्स एक्सिस से मान लीजिए थीटा बना रहा है, ये टेढ़ा वेक्टर है, जैसे ये है 2 मीटर ये, तो अगर ये ए टेढ़ा है और एक्स एक्सिस से अगर ये थीटा बना रहा है, तो बेस होता था ए का कॉस थीटा, एक्स का डायरेक्शन दे देंगे तो ए कॉस थीटा आई हो जाएगा। आप ये समझिए कि ये एक्स डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन जो है ये एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन जो है ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है। ये डायरेक्शन वाई डायरेक्शन है, तो किसी भी टेढ़ा वेक्टर को, जैसे ये था तो ए का कॉस थीटा था बेस, ए का साइन थीटा था परपेंडिकुलर, तो इस टेढ़ा वेक्टर को ट्रेंगिल लॉ से क्या कह सकते हैं, ए कॉस थीटा एक्स के तरफ करने का यूनिट वेक्टर आई, और प्लस ए साइन थीटा जे। तो ए वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा आई, ये ए वेक्टर है।
ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर बराबर होगा ए कॉस थीटा आई, मतलब समझिए ये आई कैप है, और ए साइन थीटा जे, ये जे कैप है, ये जे कैप है, ये आई कैप है, ठीक है, और ये हमारा ए वेक्टर है। तो एरो साइन देते हैं वेक्टर पर, ये हमारा वेक्टर है। अगर तो आप इसको याद रखिए कि अगर कोई टेढ़ा वेक्टर ए होगा तो वो अगर एक्स से थीटा बनाता है तो बेस में होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा आई और प्लस ए साइन थीटा जे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप समझिए कि आपको अगर रिजल्टेंट जोड़ना है तो ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं 2 का कॉस 30 आई और प्लस 2 का साइन 30 जे। आप ये समझिए कि एक्स के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर यहां जे है, एक्स के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जे है, और ये वाई के डायरेक्शन का, और एक्स के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई है, आई कैप है। तो इस टू वाले को अगर हम रिजॉल्व करें तो क्या होगा, 2 कॉस 30 आई प्लस 2 साइन 30 जे। बी को रिजॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड डायरेक्ट माइनस जे में है, तो बी हो जाएगा 1 इंटू माइनस जे। और सी को अगर रिजॉल्व करें तो सी का एक्स कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक्स के तरफ क्या होता था कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1.5 कॉस 60। डायरेक्शन क्या है, माइनस आई, इधर वाला हो जाएगा 1.5 का साइन 60। तो इस टेढ़ा को अगर हम बांटे 1.5 को, तो 1.5 कॉस 60 वैसे ही बेस, लेकिन ये आई का उल्टा है, तो क्या होगा माइनस आई, ये जे के डायरेक्शन में है ये वाला, तो इसमें जे हो जाएगा। तो हम लोग अगर यहां देखें अगर तो ए वेक्टर को लिख सकते हैं 2 कॉस 30 आई प्लस 2 साइन 30 जे, ये हो गया 1 इंटू माइनस जे, ये हो गया 1.5 कॉस 60 माइनस आई और 1.5 साइन 60 जे। ये तो तीनों वेक्टर को अगर हम ऐसे बांट ले मान लीजिए तब मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये फिगर में बना लीजिए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है कि ए वेक्टर बराबर ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे, ऐसे लिख लीजिए। और तीनों वेक्टर को अगर हम आई जे में बदल लेंगे तो आई समथिंग जे सबको प्लस कर लेंगे तो आई के साथ आई जुड़ जाएगा तो समथिंग आई हो जाएगा, जे के साथ जे जुड़ जाएगा तो समथिंग जे हो जाएगा, ऐसे। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, समथिंग आई, जैसे यहां आया है देखिए, इतना आई या प्लस इतना जे, रिजल्टेंट निकल गया मेरा। अगर रिजल्टेंट इतना आ गया तो एक एक्स कंपोनेंट हो जाएगा 982, वाई कम, ये पूछ रहा है एक्स और वाई कंपोनेंट क्या होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या पड़े हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, उसके हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप बना सकते हैं इस सवाल को। कोशिश करिए बनाने का, तो फिगर को थोड़ा क्लियर कर देते हैं। अब देखिए यही सॉल्यूशन है। रिजल्टेंट अगर हम देखें तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, a वेक्टर जो है टेढ़ा वाला, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos 30 i और प्लस 2 sin 30 j, ये हो गया। b जो है वो माइनस 1 j है, और c जो है वो हो जाएगा 1.5 cos 60 माइनस i, ऐसा पढ़ा रहे थे, अब 1.5 sin 60 j।
ऐसा लिखने से यह फायदा है कि आई को आई के साथ जोड़ सकते हैं। तो आई का कौन कौन है, एक ये है एक ये है, देखिए टू कॉस 30 होता है रूट 3/2 हो गया। दूसरा आई वाला देखिए माइनस में है, तो -1.5 कॉस 60 होता है 1/2, इतना आई। तो आई जे के में लिखने का क्या फायदा है कि आप आई को आई के साथ जोड़ सकते हैं, जे को जे के साथ जोड़ सकते हैं। तो आई वाला हो गया, अब इतना आई। जे में क्या है देखिए, 2 sin 30, साइन 30 होता है 1/2, 2 × 1/2 जे, -1 है तो -1 हो गया, जे को कॉमन ले लिए। 1.5 sin 60, तो 1.5 × √3/2 होता है sin 60, तो जे को कॉमन ले लिए तो 3 टर्म हो गया, 2 sin 30 - 1 1.5 sin 60। इसको कैलकुलेट किए, √3/2, 2 कट गया, √3 रटे हुए 1.732, 1.5/2 कितना होगा 0.75, ये हो गया 0.982 आई। उसी तरह ये 2 × 1/2 1 कट गया, 1.5 × 1.732/2 इसको करिएगा तो आ जाएगा 1.299 × j, और इसका यूनिट देखिए कि इसका यूनिट हो जाएगा मीटर। अगर हम यहां देखें तो इसका यूनिट हो जाएगा, हम लोग यूनिट लिख सकते हैं मीटर, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया ये, बल्कि इसको अगर हम देखें तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अगर हम यहां देखें ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया हमारा, इतना आई कैप, इतना जे कैप, देखिए इतना आई कैप, इतना जे कैप, ठीक। अब क्या पूछ रहा है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इतना स्क्वायर इतना स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट करें 0.981, 1.3 का स्क्वायर 1.69, 2.69, 2.56 का होता है 1.6, ऑलमोस्ट 1.6 मीटर हो जाएगा। तो रिजल्टेंट हो गया 1.6 मीटर। ये वही सवाल हो गया जैसे हम लोग बनाए थे, एक कार चला 2 किलोमीटर, फिर चला 1 किलोमीटर, और फिर चला ऐसे टेढ़ा अगर 1.5 किलोमीटर, तो टोटल कितना चला जी 1.6 किलोमीटर ऐसे। देन रिजल्टेंट का एक्स और वाई कंपोनेंट, तो एक्स और वाई कम, ये एक्स कंपोनेंट हो गया 0.982 मीटर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स आर स्केलर्स, आर वाई हो गया 1.299 मीटर, तो आर एक्स निकल गया, आर वाई निकल गया। फिर क्या था, एंगल विथ एक्स एक्सिस, तो एंगल विथ एक्स एक्सिस में क्या हुआ, टेन थीटा एक्स बराबर आर वाई बट्टे आर एक्स, इतना हो गया। अगर टेन थीटा एक्स इतना आया तो थीटा एक्स क्या निकलेगा, जो निकालना है एक्स एक्सिस से, टेन इधर चला जाएगा, तो टेन इनवर्स कहते हैं, तो टेन इनवर्स एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस जैसे इतना हो जाएगा, यहां पर इसको टेन इनवर्स कहते हैं जैसे। ऐसे लिखाता है, टेन इनवर्स इतना एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो मैग्नीट्यूड हो गया 1.6 मीटर, एक्स और वाई कंपोनेंट आ गया ये, और एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस आ गया ये, तो ये तीनों मिला के हम लोग आंसर लिख सकते हैं। अगर हम यहां देखें तो ये तीनों मिला के हम आंसर लिख सकते हैं, ऐसे मिला देंगे, यहां लिख देंगे आंसर, हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। तो जब कभी भी आपको दो से ज्यादा वेक्टर को जोड़ना रहे तो इसी तरह आई और जे में करके आप इसको जोड़ ले सकते हैं, ठीक है। ये तो एक इसको उतार लीजिएगा, वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। ये था इस टॉपिक पर इंट्रोडक्टरी डिस्कशन।
आगे के लेक्चर्स और सवाल को देखने के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक पर जा सकते हैं या सक्सेस फिजिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आगे के लेक्चर्स को देखने से आपको आईआईटी जेईई मेन एडवांस या नीट मेडिकल्स में काफ़ी मदद मिलेगी और जो लेक्चर्स हम लोग ले रहे हैं उससे ऑलमोस्ट मोर देन 90% न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट आता है। जो सवाल हम आपको पढ़ाएंगे उसमें एच सी वर्मा इरोडोव रेसनिक सबका मिला हुआ सवाल रहेगा और केवल सिलेक्टेड सवाल रहेगा। जिस तरह का पूछता है जिसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं होगा बट सभी कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें मेरा खुद का न्यूमेरिकल है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा।